तो जहां तक हम लोग जान रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, हम लोगों ने जो इससे पहले टॉपिक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं उनमें क्या हम लोगों ने जाना कि उनके वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है, डेवलपमेंट होता नए प्लांट्स का, मतलब उनके कोई पार्ट से डेवलप है, लीफ से, रूट से, स्टीम से, बर्ड से, इन्हीं सब चीज से डेवलप किया जाता है प्लांट को, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब ये केस क्रिएट हो कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो प्लांट में तो क्या कहेंगे, या यूं क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, जनन भाग कौन सा है, तो उस समय हम लोग कहेंगे ठीक है फूल है। फ्लावर क्यों है जनन भाग, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का, इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं जनन भाग उन्हीं को कह सकते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं में होता है जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो फूलों में भी बिल्कुल इसी तरह का केस क्रिएट होता है, फूल में भी क्या पाए जाते हैं, नर जनन भाग जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड और क्या होता है मादा जनन भाग, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये दो चीज पाए जाते हैं फूल में, इसीलिए फूल क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है, जनन अंग हो जाता है, किसका किसका हो जाता है, प्लांट का, पौधे का। तो हम लोग जान गए पौधे में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है अगर उनमें फूल हो तो। तो याद रखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं प्लांट में होगा जिनमें फ्लावर होंगे, फूल होंगे, ठीक है। तो चलो भाई फूल से तो पता चल जाता है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जब एनिमल्स की बात करें तो स्वाभाविकता हमें दिख जाता है कि एनिमल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं क्योंकि उनमें भी नर जनन भाग और मादा जनन भाग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इस बेस पे ये भी पता चल जाता है कि मेल में भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एनिमल्स में भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लांट्स में भी होगा, क्योंकि दोनों के पास अपने नर भाग और मादा भाग है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे बात कंसिडर करते हैं कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होंगे, एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इन दोनों टॉपिक्स को हमें विस्तार से पढ़ना होगा, इन दोनों टॉपिक्स को हमें विस्तार से पढ़ना होगा चैप्टर टू में और चैप्टर थ्री में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये सेकेंड चैप्टर का नाम है। रियल में उसमें प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं फूलों के में, तो उनके बारे में पढ़ना होता है। और सेकेंड में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है, जीवों में जनन, जंतुओं में जनन, तो उसके बेस पे थर्ड चैप्टर में ये दिया होगा, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को हम लोग सेकेंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जान रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के बेस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमैक्सिस या सिंजेनेसिस या एम्फीगोनी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कितने नामों से जानते हैं, एम्फीमैक्सिस, सिंजेनेसिस, ठीक ना, ठीक है, सिंजेनेसिस,
एम्फीबोनी। तो ये तीन अलग नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। लैंगिक जनन के तीन और भी नाम है, ये आप लोग आज जान गए, एम्फीमैक्सिस, सिंजेनेसिस और एम्फीगोनी। ये तीनों नाम किसके हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। दूसरे नाम है सेकेंड नेम है, ठीक है। इसका ग्रीक वर्ड हम लोग अभी जानेंगे कि एम्फीमैक्सिस, सिंजेनेसिस और एम्फीगोनी कौन कौन से ग्रीक वर्ड से बना है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे वर्ड लिख लेंगे नीचे में, ठीक है, एम्फीमैक्सिस, सिंजेनेसिस और एम्फीगोनी। और इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्रीक वर्ड जानेंगे कौन से ग्रीक वर्ड से ये बना है, उसका मतलब क्या होता है। तो इससे क्या होगा, एम्फीमैक्सिस, सिंजेनेसिस और एम्फीगोनी का मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एम्फीमैक्सिस लिख लेंगे नीचे में, ठीक है। एम्फीमैक्सिस दो ग्रीक शब्द से बना है, एम्फी और मैक्सिस, एम्फी, ठीक है। ग्रीक वर्ड यहां लिख लेंगे, मतलब ग्रीक शब्द। एम्फी का मतलब होता है बात, मैक्सिस का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। उसी प्रकार नीचे में फिर सिंजेनेसिस लिख लेंगे, ये भी दो ग्रीक वर्ड से बना है, सिन सिन से बना हुआ है, जेनेसिस तो जेनेसिस से ही बना हुआ है। सिन का मतलब होता है टुगेदर, जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म, ठीक है, वो भी ग्रीक वर्ड से बना है। और एम्फीगोनी भी दो ग्रीक वर्ड से बना है, इसको भी लिख लेंगे नीचे, एम्फीगोनी। एम्फी का मतलब होता है बॉथ, गोनी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो शब्दों से पता चल रहा है क्या होना है, ठीक है। एम्फीमैक्सिस बॉथ यूनियन, मतलब कोई दो आपस में मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा से मैच कर रहा है। सिंजेनेसिस, सिन मतलब टुगेदर।